तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिना तेल में फ्राई किए हुए मंगोड़ों की सब्जी। तो ये सब्जी मैंने कैसे बनाई है वो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा, तभी आपको ये सब्जी समझ आएगी। तो चलिए यहाँ पे बिना देरी के इस रेसिपी को यहाँ पे हम शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, फ्राइडे किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नम्रता। तो आज की मजेदार रेसिपी यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो बिना फ्राई किए हुए मंगोड़ों की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर हमने ली है उड़द दाल, जिसे हमने यहाँ पे 6 से 7 घंटे की रात भर भीगने के लिए पानी में छोड़ा था। तो दाल यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे फूल गई है। और यहाँ पे जो आप दाल लें तो आप उड़द दाल या मूंग दाल ले सकते हैं। 1 कटोरी करीब ली है। अब यहाँ पर दाल को ना एक ग्राइंडर जार में डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे हम पीसेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर अभी पानी नहीं डालना है। अगर आपको ज़रूरत लगे पानी की तो आप 1 से 2 चम्मच यहाँ पर पानी डाल सकते हैं। हम यहाँ पर डाल रहे हैं हरी मिर्च, तो यहाँ पर डंठल निकाल देना है और हरी मिर्च को यहाँ पर तोड़कर डाल देना है इसमें। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे अदरक, तो आधा इंच के करीब हमने यहाँ पे अदरक ली है। उसके बाद यहाँ पर नमक डाल लेना है आधा चम्मच करीब। कैमरा बंद हो गया था तो वो स्किप हो गया। तो अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं लाल मिर्च डाल दी हमने और यहाँ पर ढक्कन बंद करके इसे पीस लेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 से 2 चम्मच के करीबी पानी डाल के इसे पीस लिया है। तो दाल यहाँ पर है ना दरदरी पीसनी रहेगी। तो देख सकते हैं दाल का टेक्स्चर आप। अब यहाँ पर दाल को एक बाउल में निकाल लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे मंगोड़े बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें ले लेनी है एक स्टील की चलनी और इसे यहाँ पर एक प्लेट में रख लेना है। उसके बाद इसके ऊपर लगाना है तेल। चारों तरफ यहाँ पे तेल लगा लेना है अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे आप मंगोड़ों को यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पर मैं मंगोड़े लगा रही हूँ, उसी बीच यहाँ पे मैंने पानी भी स्टीम करने के रख दिया है। तो जो ये मंगोड़े की सब्जी है ना, और जो मंगोड़े हम तैयार करेंगे उसे हम यहाँ पर बिना तेल के तैयार करें, तो इसे यहाँ पर हम स्टीम करेंगे। तो पानी मैंने पहले ही गर्म करने के रख दिया था। अब यहाँ पर एक स्ट्रेनर रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर मंगोड़े रख देंगे। तो यहाँ पर हमने अपने स्ट्रेनर को रख दिया है। अब यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है और इसे यहाँ पे ढक देना है और इसे 10 से 15 मिनट के लिए यहाँ पे इसे कुक होने देना है। और इसे यहाँ पे 10 से 15 मिनट बाद चेक करना है कि ये कुक हुए हैं कि नहीं है। ये कुक होने का साइन ये है कि पहले से फूल जाएंगे। और इसे दबाकर चेक करिए कि ये छूट रहे हैं कि नहीं। अगर ये छूट रहे हैं और टाइट हो चुके हैं तो समझिए आपके जो ये मूंग दाल के हम उड़द के बना रहे हैं तो ये तैयार हो गए हैं यहाँ पर मंगोड़े। अब यहाँ पर इसे है ना एक प्लेट में ठंडे होने के रख देना है। और ऐसे ही हमें यहाँ पे सेकंड बैच तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने रख दी है साइड में। अब यहाँ पर हम ऐसे ही सेकंड बैच तैयार करेंगे। पहले स्टैंड पर हमें लगा लेना है तेल। उसके बाद हम यहाँ पे मंगोड़े लगा देंगे। जैसे हमने पहला तरीका आपको बताया था ना, सेम वही करना है आपको। अब इसे यहाँ पर हम स्टीम करने के रखेंगे। तो वही 10 से 15 मिनट के लिए यहाँ पे स्टीम होने देना है ढककर। और यहाँ पे चेक कर लें आप कि ये है ना स्टीम हो गए अच्छे से कि नहीं। आपको लगे स्टीम हो गए, टाइट निकल रहे हैं तो इसे यहाँ पे निकाल लें। अब इसे प्लेट में निकाल लें। तो यहाँ पे हमारे मंगोड़े तो तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सरसों का तेल लेंगे। कम से कम हमें लेना है यहाँ पर 3 से 4 चम्मच के करीब तेल लेना है। तेल जैसे ही गर्म हो जाए थोड़ी सी हींग पिंच ऑफ डाल देनी है। और यहाँ पर डाल लेना है जीरा आधा चम्मच के करीब और 2 तेज पत्ता डाल देना है। और खड़े मसाले हमने 3 से 4 हमने काली मिर्च ली है और लौंग ली है और एक हमने हरी इलायची और एक बड़ी इलायची ली है हमने। और हमने यहाँ पे एक दालचीनी स्टिक और उसके बाद हमने यहाँ पे आधा इंच के करीब अदरक का टुकड़ा जिसे हमने कूट के ले लिया है। और हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्च यहाँ पे ले ली। इन सभी को भून लेना है अच्छे से। फिर यहाँ पे 2 यहाँ पे प्याज हमने पीस के ले ली है और यहाँ पर इन्हें भूनना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। प्याज को तब तक भुनना है यहाँ पर जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पे प्याज भुन चुका है। अब प्याज का यहाँ पे पानी भी ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पर हमने 2 टमाटर लिए हैं जो भी हमने पीस के लिए हैं, और यहाँ पर हम मसाले डाले हैं आधा चम्मच के करीब हल्दी, और यहाँ पर हम डाले हैं धनिया पाउडर कम से कम 2 चम्मच के करीब डाले हैं, आधा चम्मच गरम मसाला और आमचूर पाउडर आधा चम्मच, और नमक हम डाले हैं 2 चम्मच। आप चाहें तो यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डालें, अपने हिसाब से डालें। उसके बाद यहाँ पे इन सभी को भून लेना है, तब तक भूनना है जब तक ये ऑयल ऊपर ना आ जाए। थोड़ा सा हमने यहाँ पे पानी डाला है तो इसे ढककर हम यहाँ पे इसे भूनने की छोड़ देंगे जब तक सारा ऑयल ऊपर ना आ जाए, तभी मसाला यहाँ पर अच्छे से कुक होता है। तो यहाँ पर मसाला हमारा अच्छे से कुक हो गया है। अब यहाँ पर हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पर हमें पानी ज़्यादा रखना रहेगा क्योंकि हम कभी भी मंगोड़े की सब्ज़ी बनाते हैं ना तो वो ठंडी हो जाने के बाद गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर हमने 3 गिलास के करीब डाला है पानी, और यहाँ पे से चला देंगे और एक बॉयल आने देंगे पानी में। तो मीडियम फ्लेम पे एक बॉयल आने देना है। तो यहाँ पर एक बॉयल आ गया है। अब यहाँ पर हम प्लेट को हटाकर उसके बाद हम यहाँ पर अपने मंगोड़े डाल देंगे जो हमने तैयार किए थे, और यहाँ पर हम इसे मिला देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर गैस का फ्लेम करेंगे मीडियम, और इसे ढककर यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के यहाँ पे इसे पकने देंगे। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं। आप गैस की आंच है ना मीडियम टू लो बीच बीच में करते रहें। तो यहाँ पर हमारी जो सब्जी है तैयार हो गई है उड़द दाल की। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने इस मंगोड़े की सब्जी को कम से कम ऑयल में बनाकर तैयार किया है। हमने सिर्फ यहाँ पर मसालों को भूनने के लिए यहाँ पर तेल का इस्तेमाल किया है, बाकी नहीं। उसके बाद हम यहाँ पर धनिया डाल देंगे और यहाँ पर हम मिला देंगे इसे, और फिर यहाँ पर हमारी सब्जी हो जाएगी तैयार फाइनली। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पर सब्जी हो गई है तैयार, और यहाँ पर हम कर देंगे गैस को बंद, और यहाँ पर हल्का ठंडा हो जाने के बाद हम इसे करेंगे सर्व। तो यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया सर्व करने के लिए, तो इसमें हम यहाँ पर सर्व कर रहे हैं। आप इस सब्जी को चावल रोटी जिसके साथ भी खाना पसंद करते हैं, आपको ये सब्जी बहुत पसंद आएगी। और यहाँ पर हम गार्निश कर देंगे धनिया से। तो देख सकते हैं हमारी सब्जी कितनी डिलीशियस लग रही है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरे यहाँ पर ये उड़द दाल की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें।